ये है ऑल न्यू बी एस ए गोल्ड स्टार 650 जो भाई लॉन्च हो गई है, और आज इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में एक वॉक अराउंड वीडियो करने वाले हैं, बताएंगे इस बाइक का प्राइस क्या है, कितने वेरिएंट आते हैं इस बाइक के, इंजन की पावर कैसी है, चलने में कैसी रहने वाली है, और भाई लुक्स और डिज़ाइन स्टाइल इस बाइक का कैसा है, और सारी बात आज इस डिटेल्ड वॉक अराउंड में हम करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में। इस बाइक में आपको कलर के 6 वेरिएंट मिल जाते हैं, और इसका बेस मॉडल जो आता है उसका प्राइस है 3 लाख रुपये, टॉप मॉडल का प्राइस है 3,35,000 रुपये एक्स शोरूम। और ये बी एस ए गोल्ड स्टार 650 का मिड वेरियंट है, इसका प्राइस है 3,12,000 रुपये एक्स शोरूम, और इसका ऑन रोड प्राइस आपको मिलता है 3,65,000 रुपये। अब 3,65,000 रुपये 3,90,000 रुपये जब आप इस बाइक के लिए देंगे तो आपको क्या क्या मिलने वाले इस बाइक में, उसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भाई इंजन की, क्योंकि ये इस बाइक का जो इंजन है वो इंडिया में सबसे बड़ा 650 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन है। इससे बड़ा इंडिया में सिंगल सिलेंडर कोई भी इंजन नहीं आता। इस बाइक में आपको 652 सीसी का लिक्विड कूल्ड 4-स्ट्रोक DOS इंजन मिल जाता है, जो 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है। इस बाइक की जो पावर है ना वो 45 PS है, और 55 Nm का टॉर्क ये बाइक जनरेट करती है। भाई जो सिंगल सिलेंडर इंजन के लिहाज से ना बहुत ज़्यादा पावर है बाइक के अंदर, भाई ज़बरदस्त पावर है, ज़बरदस्त टॉर्क है, और भाई इनिशियल पावर उसकी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, क्योंकि इसका जो हमने राइड व्यू बनाया उसमें चलाकर मज़ा आ गया बाइक को, वो ज़रूर देखना आप। अगर बात करें भाई इंजन की ना, तो उसकी स्मूथनेस भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, और वाइब्रेशन बाइक में ना के बराबर। एक बार मैं इसको एग्जॉस्ट में सुनाता हूँ आपको कि आवाज़ कैसी करता है। स्टार्ट करते हैं बाइक को, ये इसका आइडल साउंड है, थोड़ा सा थोड़ा देता हूँ, बहुत ही ज़्यादा गजब का साउंड है बाइक के अंदर भाई, मतलब अलग सी खनक की आवाज़ है, और ये भीड़ में अलग से पहचानी जा सकती है कि भाई ये बी एस ए गोल्ड स्टार 650 है, और ये इतना बड़ा इंजन है ये इसकी आवाज़ ही बता देगी। टॉप स्पीड की बात करें तो है ना, नहीं बता दूँ, टॉप स्पीड की अगर हम बात करें तो कंपनी क्लेम करती है कि 160 किलोमीटर पर आवर की ये टॉप स्पीड इजीली अचीव कर लेगी, लेकिन भाई जो इंजन की जो पावर हमने फील की है उसके हिसाब से भाई कम से कम ये बाइक 180 के आसपास की टॉप स्पीड अचीव कर लेगी, और बहुत जल्दी इस बाइक का जो टॉप स्पीड वाली वीडियो है ना वो अपने चैनल पर लेकर भी आने वाले हैं। फ्रंट में इस बाइक में आपको हेलोजन हेडलैम्प मिलता है जो राउंड शेप का है, बिल्कुल क्लासिक रेट्रो स्टाइल की बाइक वाला आपको फील इसमें आएगा फ्रंट से। सामने आपको BSE की बैजिंग भी मिल जाती है, और जो क्रोम मिलता है आपको वो भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, क्रोम इसमें आपको मिलने वाला है। फ्रंट में जो शॉकर्स हैं वो टेलीस्कोपिक वाले शॉकर आपको मिलने वाले हैं, और काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, इन पर आपको कवर भी मिल जाता है, जिस तरह से विंटेज जो बाइक्स थी उनमें आया करते थे वही वाला फील आपको मिलेगा। इसमें आपको हज़ार्ड लाइट इंडिकेटर, इसमें आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं विद हज़ार्ड लाइट सिस्टम, और इंडिकेटर जो है आपको LED मिलने वाले हैं। फ्रंट का जो फेंडर है वो ब्लैक कलर का है, और इसमें आपको स्पार्कल ब्लैक कलर मिलने वाला है। देखने में ऐसा लगता है कि ये जो फ्रंट फेंडर है ना ये आपको मेटल का मिलेगा, लेकिन भाई ये प्लास्टिक का है, लेकिन इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है। इसमें आपको मेटल की कनेक्टिंग रॉड मिल जाती है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, ठीक है। ओवरऑल जो बाइक का कलर कॉम्बिनेशन है वो ब्लैक कलर ज़्यादा है बाइक के अंदर, सब कुछ आपको ब्लैक कलर में मिलने वाला है। बाइक का जो टायर सेगमेंट है वो काफ़ी नोटिसेबल है, वो क्यों आपको बताता हूँ। बाइक में आपको भाई प्रैली के टायर्स मिलते हैं, और फ्रंट वाला जो व्हील है वो आपको 18 इंचेस का मिलता है, और टायर का साइज़ है 100/90 सेक्शन का आपको टायर मिलता है। लेकिन इससे ज़्यादा अच्छी बात पता क्या है, ये देखो यार ये क्या है, ये बाइक में आपको ब्रेम्बो के ब्रेकिंग सिस्टम मिलने वाले हैं भाई। ये अपने सेगमेंट में मेरे हिसाब से तो पहली बाइक है जिसके अंदर ब्रेम्बो का कैलिपर्स आते हैं भाई। इनकी जो ब्रेकिंग है ना वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है यार, क्योंकि मैंने इसको भी चलाकर देखा था, मज़ा आ गया ब्रेक यूज़ करने में। ओवरऑल लुक और डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो भाई जो टैंक है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड टैंक है, काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है। इसमें आपको साइड से देखेंगे तो यहाँ पर आपको PSA का लोगो मिलता है, जो 3D लोगो है, लेकिन ये एक कवर्ड लोगो है, और ऊपर से आपको बिल्कुल भी उभरा हुआ नहीं लगेगा। अंदर से दिखता है ऐसा कि ये थोड़ा सा खुरदरा होगा, लेकिन भाई बिल्कुल प्लेन लोगो है। यहाँ पर आपको पूरा जो क्रोम का सेक्शन मिलने वाला है काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है, क्रोम काफ़ी अच्छी क्वालिटी का क्रोम है। ऊपर से देखेंगे तो आपको इसका जो फ्यूल फिलर कैप है वो आपको साइड मिलता है, सेंटर में नहीं है, जैसे कि बाकी जो बाइक है उनमें थोड़ा सा सेंटर में होता है, यहाँ आपको साइड मिलने वाला है। आपको सिल्वर रंग की 2 स्टेप्स मिल जाते हैं यहाँ पर, और काफ़ी बड़ी आपको इसमें टैंक मिलने वाली है। सीट की अगर हम बात करें तो बस सीट सिंगल सीट मिलने वाली है, इस बीच में आपको एक बेल्ट मिल जाती है। सीट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, कुशन की क्वालिटी इसमें आपको काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह की आती है, और यहाँ पर आपको BSA के इसमें बैजिंग भी मिल जाती है, यहाँ भी भाई BSA लिखा हुआ है, ठीक है। फ्रंट जो रियर वाला फेंडर है वो काफ़ी चौड़ा है, और कुछ कुछ आपको ये जावा की जो बाइक्स आती हैं 42 वैसा सा लगने वाला है, लेकिन जो रियर में टेल सेक्शन है ना वो कम्प्लीटली डिफरेंट आपको मिलने वाला है। यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप की विंटेज स्टाइल की आपको टेल लैम्प मिलने वाली है, ठीक है। जैसे ब्रेक दबाएंगे
कुछ इस तरह से ये फंक्शन करती है और बहुत छोटे राउंड शेप के आपको उसमें इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। रियर में अगर हम टायर की बात करें तो 150 सेक्शन का इसमें आपको प्रैली का टायर मिल जाता है जो भाई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देने वाला है, और रियर में भी आपको ब्रेम्बो के डिस्क ब्रेक कैलिपर्स मिलने वाले हैं। रियर में आपको ट्विन शॉक एब्जॉर्वर मिल जाते हैं जो भी सेम वही है जो जावा और यजदी की बाइक्स में आते हैं, वही वाले यहाँ लगाते हैं और ये 5-स्टेप एडजस्टेबल हैं। बाइक का जो इंजन का डिज़ाइन है वो भाई काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी सारे कलर्स का इस्तेमाल कंपनी ने यहाँ पर किया है। ओवरऑल जो बाइक देखेंगे तो ब्लैक कलर मिलने वाला है, जो हेड का कलर वो सिल्वर है, और जहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ भी आपको सिल्वर कलर मिलने वाला है। BSC की यहाँ पर आपको स्टिकरिंग मिल जाती है, लेकिन जो ये है यहाँ पर आपको डार्क ग्रे कलर मिलता है और यहाँ आपको मिलता है BSC का लोगो। ये वही डिज़ाइन है जो BSC करीब आज से 50-60 साल पहले जब बाइक्स बनाता था तो यही वाला सिस्टम उन बाइक्स के अंदर भी था, लेकिन कंपनी ने इसको यहाँ भी कैरी फॉरवर्ड किया है। बाइक का जो एग्जॉस्ट है उसकी क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लुक देता है और काफ़ी ज़्यादा वाइड और काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी है। कुछ कुछ लगता है कि टाइटेनियम का इस्तेमाल किया है कंपनी ने, क्योंकि जो उसका कलर है वो चेंज हो रहा है धीरे धीरे और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है। ब्रेक पैडल की क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी मिलने वाली है, फुटर्स की क्वालिटी आपको काफ़ी सही मिल जाती है इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको जो पार्ट है यहाँ पर BSC लिखा मिल जाता है, गोल्ड स्टार की स्टिकरिंग मिल जाती है, लेकिन इस बाइक में कहीं भी ये नहीं लिखा कि ये 650 cc की बाइक है, इसमें 650 की बैचिंग कहीं नहीं मिलने वाली। मीटर भाई काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल वैसे ही मीटर दिए गए हैं इसके अंदर जैसे कि पुरानी बाइक्स में आया करते थे, एक बार वो दिखाता हूँ आप। बाइक में आपको ट्विन पोर्ट कंसोल मिलने वाले हैं, दो मीटर मिलते हैं अलग अलग, यहाँ पर आपको मिलता है RPM का मीटर और यहाँ आपको मिलने वाला भाई स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर में आपको 200 तक की स्पीड आपको देखने को मिल जाती है, और यहाँ भी आपको छोटा सा इन्फॉर्मेटिव मीटर मिलने वाला है, आपको साइड स्टैंड, ABS, न्यूट्रल, इंडिकेटर, उस सब की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। ये बिल्कुल वही सेटअप है जैसा BSA की जो ओल्ड बाइक्स थी उनमें आया करता था। चाबी की अगर बात करें तो भाई चाबी थोड़ी सी प्रीमियम है, यहाँ पर आपको BSA दिख ज़्यादा लिखा हुआ कुछ इस तरह की, और काफ़ी हैवी अच्छी क्वालिटी की है। BSA ने इस बाइक को टूरिंग के लिए डिज़ाइन किया है, इसलिए भाई कंपनी ने यहाँ पर आपको दो चार्जिंग सॉकेट दिए, USB टाइप और C टाइप मिलने वाले। इसके अलावा इसमें एक और चार्जिंग पॉइंट आपको मिलता है जो है 12 वोल्ट का सॉकेट, और वो कहाँ मिलता है, वो आपको मिलता है लेफ्ट साइड में गियर बॉक्स के थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिलने वाला है। ये भाई आपको टायर इन्फ्लेटर, इसके अलावा जो भी जो 12 वोल्ट पर काम करते हैं सिस्टम्स, वो आप यहाँ से इसमें चार्ज कर सकते हैं या उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरऑल अगर बाइक की सीट हाइट की हम बात करें तो भाई सीट हाइट बहुत ज़्यादा सही है यार, सिर्फ 780 mm की इसमें आपको सीट हाइट मिलने वाली है। मेरी हाइट है 5 feet 7 inches और भाई मैं इतना इजीली इस बाइक में पैर दोनों ज़मीन पर रख पा रहा हूँ। अगर आपकी हाइट थोड़ी सी भी कम है तो भी आप इस बाइक को इजीली राइड कर सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम बात करें तो भाई थोड़ा सा कम लग सकता है, 160-170 mm के आसपास इसमें ग्राउंड क्लियरेंस है, और भाई ज़्यादा चाहिए भी नहीं होता इस टाइप की बाइक में, क्योंकि ये इस हाईवे की बाइकें हैं और लॉन्ग राइड्स की बाइकें, इसमें आपको ऑफ रोडिंग तो करनी नहीं होती। इसके अलावा फ्यूल टैंक की अगर बात करें तो भाई काफ़ी बड़ा फ्यूल टैंक है, लेकिन इसकी जो कैपेसिटी है वो सिर्फ 12 लीटर की है, और एक बार इसको आप फुल करवा लेंगे तो इसकी जो रेंज निकल कर आएगी वो करीब आएगी 250 से 300, और अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो इसकी माइलेज होने वाली है वो 25 से 30 के आसपास इसकी माइलेज रहने वाली है, क्योंकि सिंगल सिलेंडर इंजन है, माइलेज आपको थोड़ी सी इसमें कम ही देखने को मिलने वाली है। अगर बात करें भाई इसकी वेट की ना, तो भाई भारी तो है लेकिन वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा है। इस बाइक का जो वज़न है वो 200 किलो के आसपास, लेकिन आपको चलाते वक्त और बैठने के बाद बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि ये एक 200 किलो की बाइक है। इसका जो वेट मैनेजमेंट है कंपनी ने भाई बहुत ही तरीके से किया है। सो गाइस कमेंट करके बताना कि आपको इंडिया की ये सबसे बड़े सिंगल सिलेंडर वाली 650 cc की बाइक कैसी लगी यार, भाई चलाने में तो हमें मज़ा आ गया, और इसका राइड व्यू ज़रूर देखना, हमारे चैनल पर अवेलेबल हो गया है। बाकी मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।